दसवीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं इनके झा सामाजिक विज्ञान शिक्षक आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ और मैं जो पाठ ले रहा हूँ वो है भारत के राष्ट्रवाद जो आपके इतिहास यूनिट से है। ठीक है, तो अब मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले इस पाठ के अंतर्गत जो हम लेंगे वो है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से। इस क्रम में मैं सबसे पहला जो कारक मानता हूँ ब्रिटिश शासन में देश का राजनीतिक एकीकरण होना। आप जानते हैं कि पहले भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था और राजनीतिक एकीकरण की बात उस समय में सोची भी नहीं जा सकती थी और राष्ट्र राज्य की जहाँ तक बात है तो उसकी परिकल्पना भी संभव नहीं था। तो ब्रिटिश शासन काल में क्या हुआ कि हमारे जो देशी राज्य थे वो सभी एक साथ जुड़ने लगे और धीरे धीरे उनमें निकटता बढ़ती चली गई और इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोगों के बीच में भी आपस में संपर्क होना शुरू हुआ और राजनीतिक उनमें भावनाएं जगने लगी और ये कारण सबसे बड़ा कारण है भारत में राष्ट्रवाद के उदय, राजनीतिक एकीकरण का भाव पैदा होना। अब दूसरा जो कारण है वो है भारत की पुरानी सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली का विनाश। तो अंग्रेजों के शासनकाल में खासकर ऐसे जो मुस्लिम शासनकाल था उसमें भी इन भावनाओं को आहत किया गया, लेकिन खास करके ब्रिटिश शासनकाल में जो हमारे देश की पुरानी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई। आर्थिक प्रणाली जो हमारे यहाँ काश्तकारी थी, दस्तकारी थी और भी बहुत सारे काम जो ग्रामीण स्तर पर में होते थे वो सभी अब नहीं होने लगे और जो लोग इसमें लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए या फिर सड़क पर में आ गए और भुखमरी की समस्या उनके लिए सामने खड़ी हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की पुरानी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का विनाश भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने का काम करता हुआ नजर आता है। अब तीसरा कारक है आधुनिक व्यापार और उद्योगों का विकास। ये बात सही है कि हम उपनिवेशवादी जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे 15 अगस्त 1947 के पहले, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासनकाल में आधुनिक व्यापार और उद्योगों का विकास हमारे देश में हुआ ये हमें मानना पड़ेगा और इस वजह से लोगों के बीच में क्या हुआ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हुआ और इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ी, ऊपर आई और उद्योग जो बाहर के उद्योग थे जो हमारे देश में आकर के काम करना शुरू किए उनकी वजह से धीरे धीरे हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास संभव हो पाया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना के उदय में बहुत बड़ा रोल किया, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, INC की स्थापना 1885 में हुई और राजनीतिक तौर पर में संगठित करने का काम पूरे देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, ये निर्विवाद है। आगे चल करके उसमें बहुत सारी धाराएँ आईं और कई तरह की सोच आई, कई तरह की विचारधाराएँ आगे काम करने लगी, वो अलग विषय है, लेकिन ये कहना बिल्कुल तर्कसंगत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब जो दूसरा टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है प्रथम विश्व युद्ध का समाज पर, भारतीय समाज पर में क्या प्रभाव। आप जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, ठीक है, और ये इतना भीषण था अपने परिणाम, जब इसके परिणाम को आप देखेंगे तो ये इतना विनाशकारी रहा, इतना भीषण रहा कि उससे सारी की सारी चीज़ें पूरे विश्व में प्रभावित थी, चाहे वो राजनीतिक बात हो या सामाजिक या आर्थिक, सभी जगहों पर में और जान माल का तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान। तो इस तरह से इस चीज़ को जब हम लेंगे इस टॉपिक को कि प्रथम विश्व युद्ध का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा भारतीय समाज पर, तो इसमें सबसे पहला कि खाद्यान्नों के दामों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि युद्ध के समय जो खेतीबाड़ी थी या जो कहीं कहीं पर में खाद्यान्नों के आयात निर्यात का जो क्रम चलता था वो बड़ी तरह से अवरुद्ध हो गया और लोकल मार्केट में
खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया और इस वजह से जो खाद्यान्न की उपलब्धि थी वो काफी उसके दामों में उनके दामों में बढ़ोतरी हो गई। दूसरा जो है इसमें पक्ष वह है टैक्स में वृद्धि। अब ब्रिटिश सरकार को भी ये लगता था कि टैक्स में वृद्धि करने से ही युद्ध के खर्च को कम किया जा सकता है, तो इस वजह से वो टैक्स बढ़ोतरी कर रहे थे। पहले से ही जो दबे हुए लोग थे टैक्स के अंदर, विभिन्न करों के अंदर, उसमें सारे कर थे, उसमें कृषि कर भी था, उसमें सेवा कर भी था, उसमें और अन्य अन्य तरह के कर थे, उनको काफी बढ़ा दिया गया और इस वजह से लोगों में परेशानी थी। ठीक है, अब है कि गांव के युवाओं को जबरन सेना में भर्ती करवाना। ये बात इस तरह से चली कि उस समय में जो युद्ध में पूरी तरह से रत देश थे, जो लीन देश थे, जो युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें ब्रिटेन सबसे अग्रणी देश था उस समय में और हम उसके उपनिवेश थे, तो हमारे यहाँ उन्होंने क्या किया कि जबरन सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी और इस वजह से इसका प्रभाव हमारे समाज पर में बड़ा विपरीत पड़ा। अब है कि विदेशी वस्तुओं का आयात व भारतीय उद्योगों को हानि, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, हमारे यहाँ खेती बाड़ी चौपट हो गई, हमारे यहाँ सब कुछ पहले की अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया और इसको इसकी भरपाई किससे होने लगी, विदेशी वस्तुओं से होने लगी और इस वजह से हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है वो अधिकाधिक देखा गया और इस वजह से हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और कहीं ना कहीं विदेशी वस्तुओं और आयात की वजह से जो हमारे किसानों और हमारे उद्योग, जो हमारे भारतीय उद्योग कर्मी जो थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव डाला और इस वजह से भी जब हम इसको भारत के राष्ट्रवाद के उदय से जोड़ करके देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि ये संदर्भ भी बहुत ही ज़्यादा असरकारी रहा और इस वजह से भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में इसका